और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने आज कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इस वर्ष पहली बार पुलिस प्रशासन ने शहर की सुरक्षा में ड्रोन कैमरे की तैनात किया है। त्योहार की सुरक्षा में 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। अयोध्या बेहद ही संवेदनशील नगरी है, खासकर इस समय जब अयोध्या विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अयोध्या मसले में सुप्रीम कोर्ट नवंबर माह में फैसला सुना सकता है। अयोध्या की सड़कें माँ के भव्य पंडाल से सजा हुआ शोभा दे रही है। सड़कों पर रंग बिरंगी लाइट रात में खूबसूरत प्रकाश भी दे रही है। लोगों को भीड़ में माँ के पंडाल में बढ़ रही है लोगों की भीड़ माँ के पंडाल में बढ़ रही है। कल 8 अक्टूबर को माँ की विदाई है, ऐसे में भक्त माँ के दर्शन कर आशीर्वाद ले भाव विभोर हो रही है। अयोध्या जिले में 1150 स्थानों पर माँ के भव्य मंडल लगाए गए हैं। लगभग 200 स्थानों पर शहर के अंदर माँ के सुंदर भव्य मंडल लगे हुए हैं। हर पंडाल में माँ विभिन्न मुद्राओं में विराजमान है। अयोध्या शहर सहित ग्रामीण स्थानों का विसर्जन कल 8 अक्टूबर को सरयू किनारे बने निर्मली कुंड में होना है। ऐसे में केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने अपनी तैयारी पूरी रखी है। अयोध्या की सड़कों पर पुलिस बल असामाजिक तत्वों को रूट मार्च करके संदेश दे रही है कि किसी भी विपरीत हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। जिले की सुरक्षा व्यवस्था में 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। अयोध्या जिला बेहद संवेदनशील है। अयोध्या विवाद की सुनवाई भी इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ऐसे में जिला प्रशासन बेहद सतर्क है। इस बार शहर की सुरक्षा में ड्रोन कैमरे की तैनाती की गई है। सादे वर्दी में पुलिस बल लगाए गए हैं। संवेदनशील स्थलों में PAC तैनात की गई है। खुफिया तंत्र सक्रिय है। सड़कों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। CCTV कैमरे के माध्यम से अयोध्या की निगरानी की जा रही है। जिले के SSP आशीष तिवारी व जिलाधिकारी अनुज झा खुद सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। व्यवस्था के व्यापक प्रबंध कर रखे हैं, जिसमें हमारी PSC पैरामिलिट्री फोर्सेज भी हैं और सिविल पुलिस भी है, साथ में महिला पुलिस भी रखते हैं। यहाँ पे लगभग हमारे नगर में 150 से ज़्यादा पंडाल हैं और हर पंडालों पे हमारी सुरक्षा व्यवस्था है। उसके अलावा 6 जगह रामलीला हमारे नगर क्षेत्र में और करीब 4 जगह रामलीला क्षेत्र हमारे कंट क्षेत्र में हो रहा है, तो उन जगहों पर एक अलग से पुलिस प्रबंध रखा गया है पिकेट ड्यूटी की तरह। साथ में कुछ रेलवे क्रॉसिंगें हैं जहाँ पर हम अलग से पिकेट रखते हैं। PAC बल को हमारे सबसे सेंसिटिव क्षेत्र जो चौक है, फतेहगंज है, इन क्षेत्रों में तैनात किया गया है अग्रसेन की राह पे, और साथ में एक टुकड़ी हमारे साथ रहती है जो कि पैदल गश्त में रहती है। हम लोग जो भी शाम होता है उसको पैदल गश्त करते हैं और साथ में ही उसके आस पंडालों का और उसके आसपास के क्षेत्रों का ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं, जिससे कभी कोई अव्यवस्था ना फैलने पाए। लगभग इस तरह हम 1000 के लगभग को तैनात कर रखे हैं। और शेष जगहों पर आज से पंडाल खुल गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। पूरे फैजाबाद नगर अयोध्या सहित पूरे जनपद में लगभग 1150 स्थानों पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। उसके साथ साथ आज से नगर में भारी भीड़ उमड़ी हुई है, आसपास के गांव की नगर के लोग और प्रत्येक पंडालों पर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। जगह जगह भंडारे का आयोजन हो रहा है, वहां भी भंडारे पर भी प्रसाद ले रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के सारे पदाधिकारी मुस्तैद हैं। हमारे केंद्रीय समिति में जो शक्ति वाहिनी की टीम है प्रत्येक पंडालों पर लगी हुई है, उन महिलाओं बच्चों को पुरुषों को क्रमबद्ध लाइनवार दर्शन करा रहे हैं, उनको बाहर निकासी द्वार से बाहर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शन की व्यवस्था चल रही है और पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसके साथ साथ हमारे केंद्रीय समिति के पदाधिकारी भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और बहुत ही अच्छे और भावपूर्ण ढंग से आज लोग दर्शन कर रहे हैं। और 3 दिन सप्तमी अष्टमी नवमी भारी भीड़ रहेगी, लोग कम से कम 10 से 15 लाख की संख्या में लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। 8 अक्टूबर को हमारा विसर्जन जुलूस GIC मैदान से 11 बजे निकलेगा। वो फतेहगंज GIC से, फतेहगंज से चौक, चौक से रिकाबगंज, रिकाबगंज से सिविल लाइन, सिविल लाइन से बस अड्डा, शहादत हनुमान गढ़ी होते हुए नरिमली कुंड में उसका विसर्जन किया जाएगा। के लिए व्यवस्था की जा रही है, प्रत्येक पंडालों पर लोग भंडारा खा रहे हैं और भंडारे के बाद अगल बगल स्थानों पर विश्राम करते हैं। जिला पंचायत की तरफ से भी बाईपास के चारों तरफ पंडाल बनाए गए हैं, कुर्सियाँ और दरी बिछाई गए उनको विश्राम के लिए। उसके साथ साथ जो पंडाल बने हैं उन जगहों पे भी दर्शनार्थी वहाँ पे जाके आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं और फिर दूसरे दिन वो विसर्जन जुलूस देखेंगे फैजाबाद नगर में भावपूर्ण ढंग से। और बहुत भारी संख्या में दशहरे के दिन जिस दिन विसर्जन जुलूस निकलेगा, फैजाबाद की सड़कों पे लोग रहेंगे दर्शनार्थी। चौक में लोग जो है यात्रा का स्वागत करते हैं,
इस बार भी हमारे विसर्जन जुलूस में फतेहगंज में सिख समाज के लोग पुष्प वर्षा करेंगे और चौक में अल्पसंख्यक समाज के लोग भारी संख्या में चौक पर स्टेज से पुष्प वर्षा करेंगे और एक अच्छा सौहार्दपूर्ण संदेश अयोध्या की धरती से जाएगा कि हमारी शोभा यात्रा निकलेगी और उस शोभा यात्रा पे अल्पसंख्यक समाज के लोग चौक से पुष्प वर्षा करेंगे। बहुत ही मनोहारी और एक संदेश देने वाला।